जब हौसला कर लिया ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का। ये कर्म वीरों की वसुंधरा है, जरूरतमंदों का आसरा है, बदलाव का हर प्रहरी यहाँ डटा है। आज प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2021 प्रदान किए जाएंगे। कुल 16 पुरस्कार दिए जा रहे हैं। हमारी विनम्र अनुनय है माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे कि कृपया अपने कर कमलों द्वारा ये पुरस्कार प्रदान करें। माननीय आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया मंच के सामने आने की कृपा करें। इनोवेशन स्टेट कैटेगरी के लिए टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन गुजरात थ्रू विद्या समीक्षा केंद्र के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी गुजरात को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। शिक्षा को समग्र बनाने की सोच से गुजरात के शिक्षा विभाग द्वारा विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना की। इसके माध्यम से छात्रों और शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस और उनके प्रदर्शन का सही मूल्यांकन हुआ। डेटा की मदद से पढ़ाई में कमजोर छात्रों को शिक्षकों का सहयोग दिया गया। छात्रों के माध्यम से देश की नींव को मजबूती देने के लिए टीम को शुभकामनाएं। डॉक्टर विनोद रामचंद्र राव, सेक्रेटरी एजुकेशन प्राइमरी एंड सेकेंडरी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। इनोवेशन स्टेट कैटेगरी के लिए ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लद्दाख को पुरस्कार दिया जा रहा है। डीआरडीओ के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च की मदद से लद्दाख क्षेत्र के लिए पैसिव सोलर ग्रीन हाउस की स्थापना कर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया। इस तकनीक की मदद से 315 सोलर ग्रीन हाउसेस की स्थापना की, जिससे 206 टन से अधिक हरी सब्जियों का उत्पादन हुआ। प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए टीम को शुभकामनाएं। पुरस्कार ग्रहण करने मंच पर श्री रविंदर कुमार, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी लद्दाख आ रहे हैं। इनोवेशन सेंटर इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस पुरस्कार मिल रहा है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन को। इनोवेटर्स और उद्यमियों की मदद से भारतीय सेना के नवीनीकरण के लिए आईडेक्स यानी इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सेलेंस ने एक इकोसिस्टम की स्थापना की। इन्वेंशन फंड्स की मदद से नई तकनीकों और परियोजनाओं में निवेश किया। सेना और एयरोस्पेस क्षेत्र के विकास के लिए को इन्वेंशन और को क्रिएशन पर जोर दिया। देश के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर करने के लिए टीम को शुभकामनाएं। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री संजय जाजू, एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। इसी कैटेगरी में पुरस्कार दिया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस को नेशन जेनेरिक डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम के लिए। भारत में व्यापार को आसान करने के साथ साथ नागरिकों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में कारगर कदम उठाया। एक देश एक सॉफ्टवेयर को ध्यान में रख प्रॉपर्टी एवं प्रॉपर्टी से जुड़े दूसरे दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए जेनरिक प्लेटफॉर्म स्थापित किया। नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए टीम को शुभकामनाएं। पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर आ रहे हैं श्री हुकुम सिंह मीना, एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस। और अब बारी आती है इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट की। इस कैटेगरी में नव प्रवर्तन स्टार्टअप जोन चनपतिया के लिए पश्चिमी चंपारण बिहार को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। जिला वेस्ट चंपारण ने रिवर्स माइग्रेशन की समस्या को ध्यान में रखते हुए चनपतिया में नव प्रवर्तन स्टार्टअप जोन की स्थापना की। आत्मनिर्भर भारत की सोच पर इसके तहत उद्यमी मित्र मंडल बनाए गए, जिनके जरिए उत्पादन केंद्र स्थापित किए गए। कौशल के साथ आधार पर उत्पाद एवं उत्पादन की रूपरेखा तैयार की गई। आपदा को अवसर में बदलने के लिए टीम को शुभकामनाएं। पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मौजूद है श्री कुंदन कुमार, डीएम वेस्ट चंपारण बिहार।
इसी कैटेगरी में बाजी जीती है प्रोजेक्ट संपूर्ण बोंगईगांव असम ने। जिला बोंगईगांव ने कुपोषण की समस्या को दूर करने की दिशा में संपूर्ण अभियान की शुरुआत की। स्वस्थ बच्चों की माओ की मदद से कुपोषित बच्चों को बड़ी मदर प्रोग्राम में शामिल किया। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत हर माँ को सेल्फ हेल्प समूह में शामिल कर नियमित आय सुनिश्चित की गई। जिले को कुपोषण मुक्त करने और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए टीम को शुभकामनाएं। पुरस्कार ग्रहण करेंगी डॉक्टर MS लक्ष्मी प्रिया, DC बोंगईगांव असम। और अब बारी आती है आइडेंटिफाइड प्रायोरिटी प्रोग्राम्स की। सीमलेस एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, इसे लागू करने में अवार्ड जीता है कर्नाटका राज्य ने। एंड टू एंड सर्विस विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन स्कीम के तहत सेवा सिंधु की स्थापना की। इसके अंतर्गत 74 कार्यालयों एवं 798 सेवाओं को सिंगल विंडो के जरिए डिजिटली जनता तक पहुंचाया। इस कदम के चलते अब तक 2 करोड़ से अधिक सेवाओं का सफल वितरण किया जा चुका है। कार्य की कुशल प्रणाली को जन जन तक पहुंचाने के लिए टीम को शुभकामनाएं। पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं श्रीमती दीप्ति आदित्य कनाडे, डायरेक्टर EDCS गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। इसी को डिस्ट्रिक्ट में सफलता पूर्वक अपनाया NDMC ने, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल ने। नागरिकों के हित को ध्यान में रखते हुए जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया। शहरी योजना को GIS मैपिंग की मदद से कुशल बनाते हुए सभी आधारभूत ढांचों का मानचित्रण किया। NDMC के तहत आने वाली सेवाओं के भुगतान के लिए ऑनलाइन पेमेंट की सक्षम प्रणाली तैयार की। कार्य प्रणाली को पेपरलेस, सक्षम और पारदर्शी बनाने के लिए टीम को शुभकामनाएं। इस पुरस्कार को प्राप्त कर रहे हैं श्री धर्मेंद्र, चेयरमैन NDMC दिल्ली। डिजिटल पेमेंट्स एंड गुड गवर्नेंस इन PM स्वनिधि योजना, और ये बाजी जीती है वाराणसी उत्तर प्रदेश ने। PM स्वनिधि के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पोर्टल की स्थापना की। ऋण वितरण के लिए शिविर लगाएं, वेंडर्स को डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए प्रेरित किया। इन प्रयासों की मदद से वाराणसी ऋण वितरण के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर अव्वल रहा। विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने की इस मुहिम के लिए टीम को शुभकामनाएं। पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्री कौशल राज शर्मा, DC वाराणसी उत्तर प्रदेश। इसी कैटेगरी में पुरस्कार विजेता रहा अनंतनाग, जम्मू एंड कश्मीर। डिजिटल ट्रांजैक्शंस को आधार बना माय टाउन माय प्राइड प्रोग्राम के तहत विक्रेताओं को सामान के विक्रय के लिए ऑन स्पॉट सर्टिफिकेट जारी किए गए। तकनीक की मदद से कम ब्याज दर पर कोलैटरल फ्री ऋण मुहैया करवाया। बैंक के साथ मिलकर ऋण संबंधी सभी प्रक्रियाओं को आसान बनाया। इन कोशिशों के चलते अनंतनाग में 381 विक्रेताओं के लिए 3 अलग वेंडिंग जोन स्थापित किए। स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवसाय की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए टीम को शुभकामनाएं। मंच पर डॉक्टर पीयूष सिंगला, DC अनंतनाग जम्मू एंड कश्मीर, पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट थ्रू वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इस कैटेगरी में अव्वल रहा दरभंगा, बिहार। मखाना के लिए मशहूर दरभंगा में एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत जिला प्रशासन ने मखाना उत्पाद में वृद्धि और गुणवत्ता के लिए किसानों को प्रशिक्षित किया। मखाना प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग पर विशेष ध्यान से कारोबार और रोजगार में बढ़ोतरी हुई, जिसका सीधा लाभ अब यहाँ के मखाना कृषकों और उद्यमियों को मिल रहा है। प्रयासों को परिणाम में बदलने के लिए टीम को शुभकामनाएं। पुरस्कार लेने मंच पर आए हैं श्री राजीव रोशन, DM दरभंगा, बिहार।
इसी कैटेगरी में विजेता रहा सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश। बुद्ध का महाप्रसाद कहा जाने वाले काला नमक चावल को एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किए जाने से अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली। सिद्धार्थ नगर जिला प्रशासन ने इसके उत्पाद में वृद्धि और गुणवत्ता के लिए किसानों को प्रशिक्षित किया। किसान उद्यमी और औद्योगिक इकाइयों को आर्थिक सहायता दी गई। काला नमक चावल के व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए टीम को शुभकामना। मंच पर आ रहे हैं श्री दीपक मीना, डीसी सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश। प्रमोटिंग जन भागीदारी और पीपल्स पार्टिसिपेशन इन पोषण अभियान इस कैटेगरी का पुरस्कार जीता है आसिफाबाद तेलंगाना ने। जिला प्रशासन आसिफाबाद ने पोषण अभियान को एक आंदोलन का रूप दिया। पोषण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन कर स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाई। जिले के हर बच्चे, किशोर किशोरी, गर्भवती एवं धात्री महिला को निर्धारित पोषण सेवा मिले। इंटीग्रेटेड मिलेट प्रोग्राम शुरुआत की। प्रयासों को परिणाम में बदलने के लिए आपकी टीम को शुभकामनाएं। पुरस्कार लेने मंच पर आ रहे हैं श्री राहुल राज, पीएस कलेक्टर आसिफाबाद तेलंगाना। इसी कैटेगरी में पुरस्कार जीता है दतिया मध्य प्रदेश ने। पोषण योजना के तहत दतिया जिला प्रशासन ने मेरा बच्चा अभियान की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत कुपोषण से ग्रस्त माँ और बच्चों की पहचान कर उन्हें कुपोषण से सुपोषण कार्यक्रम में शामिल किया। कुपोषण को जड़ से मिटाने के लिए एडॉप्शन कार्यक्रम चलाया। जिला दतिया में कुपोषण को जड़ से मिटाने के लिए टीम को शुभकामनाएं। पुरस्कार ग्रहण करने मंच पर श्री संजय कुमार, डीएम दतिया मध्य प्रदेश आ रहे हैं। प्रमोटिंग एक्सीलेंस एंड वेलनेस इन स्पोर्ट्स थ्रू खेलो इंडिया स्कीम, ये बाजी जीती है चुरू राजस्थान ने। खेलो इंडिया के अंतर्गत जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर खेल सुविधाओं का विकास कर जिला चुरू को राष्ट्रीय मानचित्र पर अंकित किया। सरकार की विभिन्न योजनाओं का समन्वय कर विभिन्न खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बनाया। विभिन्न स्तर पर खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और स्पोर्टिंग सेंटर बनाए गए। खेल और खिलाड़ियों के प्रति इस समर्पण के लिए टीम को शुभकामनाएं। पुरस्कार ग्रहण करने मंच पर आ रहे हैं श्री सिद्धार्थ सिहाग, डीसी चुरू राजस्थान। इसी कैटेगरी में कमाल दिखाया विष्णुपुर मणिपुर ने। तकनीक को आधार बना खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बनाया। खिलाड़ियों के उत्साह एवं मनोबल को बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया के साथ दूसरी योजनाओं का भी समावेश किया। जिले में आज 2000 से अधिक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, जबकि 25 से अधिक खेलों के लिए 60 से अधिक खेल परिसर एवं सुविधाएं हैं। खेल को आधार बना खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए टीम को शुभकामनाएं। श्री लोरेम्बाम विक्रम, डीसी विष्णुपुर मणिपुर इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, और सभी पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। आज दुनिया टकटकी लगाए धड़कते और बढ़ते भारत को देख रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी एक ऐसे अडिग विजनरी लीडर हैं जो भारत को विश्व शिखर पर ले जाने के लिए अधीर हैं। भारत भी विश्वास के साथ इस ऊंची उड़ान के लिए तैयार है, क्योंकि उसके पास सही दिशा और नेतृत्व है। विजन इंडिया एट 2047 का लक्ष्य है, डिजिटल इंडिया और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस का मंत्र है, सुशासन का संकल्प है, विकास के ज्योतिपुंज। माननीय प्रधानमंत्री जी से अब हमारी विनम्र अनुनय है कि कृपया हम सबको संबोधित करें, हम सबका मार्गदर्शन करें। सिविल सेवा दिवस पर आप सभी कर्मयोगियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आज जिन साथियों को ये अवार्ड मिले हैं उनको, उनकी पूरी टीम को और उस राज्य को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। लेकिन मेरी आदत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मुफ्त में बधाई देता नहीं हूं मैं। कुछ चीजों के इसके साथ हम जोड़ सकते हैं क्या, ये मेरे मन में ऐसे ही आए हुए विचार हैं, लेकिन आप उसको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के तराजू पे तोलना, ऐसे ही मत कर देना। जैसे हम एक कर सकते हैं कि जहां भी हमारे सिविल सर्विस से जुड़े जितनी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे विदेश मंत्रालय की हो, पुलिस विभाग की हो, या मसूरी हो, या रेवेन्यू हो, कोई जहां भी है आपके, क्योंकि काफी बिखरा हुआ सारा ये कारोबार चल रहा है, हर सप्ताह 1-1.5 घंटा वर्चुअली ये जो अवार्ड विनर है वे अपने ही राज्य से, इस पूरी कल्पना क्या थी, कैसे शुरू किया, कौन सी कठिनाई आई, पूरा प्रेजेंटेशन दे वर्चुअली इन सबको, ट्रेनीज को क्वेश्चन आंसर्स हो, और हर सप्ताह ऐसे 2 अवार्ड विनर्स के साथ अगर विशेष चर्चा हो, तो मैं समझता हूं कि जो नई पीढ़ी आ रही है उनको एक प्रैक्टिकल अनुभव, बातें चीतों का लाभ मिलेगा। और इसके कारण जिन लोगों ने इस काम को अचीव किया है उनको भी इस काम के प्रति जुड़े रहने का एक आनंद आएगा। धीरे धीरे उसमें इनोवेशन होते रहेंगे, एडिशन होता रहेगा। दूसरा एक काम, ये जो आज 16 साथियों को यहाँ अवार्ड मिला है, हम सभी देश के 700 से भी अधिक जो जिले हैं उन सबको निमंत्रित करें कि 16 में से आप किसी एक स्कीम को सिलेक्ट कीजिए, किसी एक व्यक्ति को इंचार्ज बनाइए, और आप 3 महीने 6 महीने के प्रोग्राम के अंतर्गत इसको कैसे लागू करेंगे, लागू करने की दिशा में क्या करेंगे। और मान लीजिए पूरे देश में से 20 डिस्ट्रिक्ट ऐसे निकले जिन्होंने एक स्कीम को सिलेक्ट किया है, तो कभी उन 20 डिस्ट्रिक्ट का वर्चुअल समिट करके जिस व्यक्ति का इस जिस टीम का ये काम है उनके साथ उनकी बातचीत हो, और राज्य में से कौन टॉप बनता है इस पर इम्प्लीमेंटेशन में, इसी को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हुए उस जिले का इसको स्वभाव में परिवर्तित करने के लिए क्या कर सकते हैं, और पूरे देश में से 1 स्कीम 1 डिस्ट्रिक्ट हम कंपटीशन को ऊपर के ला सकते हैं क्या। और जब 1 साल के बाद मिले तो उसका भी जिक्र करें, उसको अवार्ड देने की जरूरत नहीं अभी, लेकिन जिक्र हो कि भाई ये स्कीम जो 2022 में जिनको सम्मान किया गया था वो चीज़ यहाँ तक पहुँच गई। अगर मैं समझता हूँ कि हम लोग इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए इंस्टीट्यूशनलाइज करें, क्योंकि मैंने देखा है कि सरकार का स्वभाव जब तक वो किसी कागज के चौखट में चीज नहीं आती है वो चीज़ आगे बढ़ नहीं पाती है। इसलिए किसी चीज़ को इंस्टीट्यूशनलाइज करना है तो उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन बनानी पड़ती है, तो जरूरत पड़े तो ये भी एक व्यवस्था खड़ी कर दी जाए, तो हो सकता है कि अदरवाइज क्या होगा कि भाई चलिए कुछ तो ऐसे लोग होते हैं कि जो मन में तय करते हैं कि मुझे ये अचीव करना है, तो 365 दिन दिमाग उसी में खपाते हैं, सभी को उसी में जोड़ देते हैं और एक आध अचीव कर लेते हैं और अवार्ड भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों को देखें तो कहीं पीछे रह जाते हैं।
तो ऐसी कमियां भी महसूस ना हो, एक स्वस्थ स्पर्धा का वातावरण बने, उस दिशा में अगर हम कुछ सोचे तो शायद जो हम चाहते हैं कि एक बदलाव आए वो बदलाव शायद हम ला सकते हैं। 20-22 साल से मैं लगातार इस काम को कर रहा हूं और पहले मुख्यमंत्री के रूप में करता था, एक छोटे दायरे में करता था, प्रधानमंत्री बनने के बाद थोड़ा बड़े दायरे में हुआ और बड़े बड़े लोगों के साथ हुआ और उसके कारण एक प्रकार से हमें अन्योन्य कुछ आपसे मैं सीखता हूँ, कुछ मेरी बातें आप तक पहुँचा पाता हूँ, तो एक प्रकार से संवादना एक अच्छा सा हमारा ये माध्यम बना है, परंपरा बनी है। और मैं मानता हूँ कि इसको हमने, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो सहज रूप से नया उमंग उत्साह भर देती है। मान लीजिए आप जिस डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं और पिछले 75 साल में उस डिस्ट्रिक्ट के मुखिया के रूप में जिन्होंने काम किया है उसमें से कुछ जीवित होंगे कुछ नहीं होंगे, इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के निमित्त एक बार उस डिस्ट्रिक्ट में उन सबको बुलाइए, उनको भी अच्छा लगेगा 30-40 साल के बाद वो उस जगह पे वापस गए हैं, आपको भी अच्छा लगेगा, उनके पुराने पुराने लोगों को याद करेंगे। यानी एक प्रकार से उस जिला इकाई में किसी ने 30 साल पहले काम किया होगा, किसी ने 40 साल पहले काम किया होगा, जो बाहर से वहां आएगा वो भी एक नई ऊर्जा लेके जाएगा और जो वहां है उसको भी अच्छा अच्छा ये देश के कैबिनेट सेक्रेटरी वो कभी यहां थे, उसके लिए बड़े आनंद की बात हो जाएगी। यानी चीजें छोटी होती हैं लेकिन उसका सामर्थ्य बहुत बड़ा होता है। और एक मोनोटोनस जिंदगी में बदलाव लाने के लिए व्यवस्थाओं में जान भरना बहुत जरूरी होता है, व्यवस्थाएं जीवंत होनी चाहिए, व्यवस्थाएं डायनेमिक होनी चाहिए। और जब पुराने लोगों से मिलते हैं तो उनके जमाने में व्यवस्था किस कारण से विकसित हुई थी उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हमें उस परंपरा को चलाना नहीं चलाना बदल लाना नहीं लाना बहुत चीजें सिखा करके जाते हैं। मैं चाहूंगा कि आजादी के इस अमृत काल में आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जो पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में काम करके गए हैं एक बार अगर हो सके उनका मिलने का कार्यक्रम बनाइए, आपके उस पूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए वो एक अनुभव नया आएगा। उसी प्रकार से राज्यों में जो चीफ सेक्रेटरी के नाते काम करके गए हैं एक बार राज्य के मुख्यमंत्री उन सबको बुला ले, देश के प्रधानमंत्री जितने भी कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं कभी उनको बुला लें। हो सकता है कि एक, क्योंकि आजादी का अमृत काल 75 साल की इस यात्रा में भारत को आगे बढ़ाने में सरदार पटेल का ये जो तोहफा है हमें सिविल सर्विस का, इसके जो ध्वजवाहक लोग रहे हैं जो आज उसमें से जितने भी जीवित हैं उन्होंने कुछ न कुछ तो योगदान दिया ही है इस देश को आज तक पहुंचाने में, उन सबका स्मरण करना उनका मान सम्मान करना ये भी आजादी के अमृत काल में इस पूरी सिविल सर्विस को ऑनर करने वाला विषय बन जाएगा। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।